नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर के जिस तरीके से लगातार छात्र जो हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार से कई इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही है। कई जगह पर ट्रेनों का आगजनी भी की गई है, कई जगह पथराव भी किए गए हैं और कई जगहों पर पुलिस भी बर्बरता से छात्रों को पीटती हुई नज़र आ रही है। तस्वीरें लगातार हमने न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इसको लेकर के आरजेडी और महागठबंधन एक बार फिर से एकजुट दिखाई दे रहा है और आरजेडी की ओर से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाना है। जिस प्रकार से छात्रों को लगातार दबाव दिया जा रहा था और छात्रों की जिस तरीके से पिटाई की गई है, उसको लेकर के आरजेडी और माले हो या सभी महागठबंधन की टीम यहां पर एकजुटता करेंगी और एक मीटिंग हो रहा है। मीटिंग के बाद 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है। तो आपको बताएं कि जिस प्रकार से लगातार छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बात की जाए जो शिक्षक हैं उनका भी नाम सामने आ रहा था कि जिस प्रकार से शिक्षकगण हैं उन्होंने भी बरगलाने की कोशिश की है छात्रों को, तो अब उसको लेकर के आरजेडी की ओर से महागठबंधन की बैठक है, आरजेडी कार्यालय में बुलाई गई है। इस बैठक में आरजेडी के अलावा कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। एक बैठक रेलवे अभ्यर्थियों के साथ ज्यादती के आरोप और लाठीचार्ज की ओर लेकर की जा रही है। बैठक के बाद महागठबंधन की ओर से 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार और बिहार से बाहर युवाओं का तीखा विरोध रेलवे के खिलाफ है। कई जगहों पर ट्रेनें रोकी गई हैं, गया में ट्रेन जला भी दी गई है। बिहार के बाहर यूपी में भी आंदोलन की लहर फैल गई है। लेफ्ट पार्टियों के युवा संगठनों ने 28 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान भी किया है। काफी संख्या में अभ्यर्थी जेल भेजे गए हैं। इन तमाम बातों को लेकर के महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है। महागठबंधन ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में युवाओं के रोजगार का सवाल काफी प्रमुखता से उठाया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव की पूरी कैंपेन युवाओं के सवाल पर ही की थी। उनकी पार्टी आरजेडी ने बिहार में सबसे ज्यादा सीटें भी हासिल की है। बैठक में रेलवे में ठेका और निजीकरण पर भी महागठबंधन मंथन करेगा कि इसके विरोध में किस तरह से किया जाए। युवाओं का आंदोलन रेलवे निजीकरण से तेजी से जुड़ता रहा है, इस मायने में अब आंदोलन राष्ट्रीय स्वरूप लेता जा रहा है। जानकारी है कि महागठबंधन के युवा नेताओं को रोजगार के सवाल पर सरकार के साथ लड़ाई लड़ने की अगली रणनीति भी बनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि आरजेडी की ओर से महागठबंधन का एक बैठक बुलाया गया है, जिसके बाद आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है। और लगातार जिस प्रकार से जो तस्वीरें सामने आ रही है, बिहार में जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो लगातार नाराज होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर हिंसक झड़प भी हुई है पुलिस और छात्रों के में, उसको लेकर के आरजेडी की ओर से महागठबंधन का एक बैठक बुलाया जाना है। और आपको बताते चले कि जिस प्रकार से कई छात्रों पर अज्ञात FIR भी दर्ज किए गए हैं, कई शिक्षकों पर भी FIR दर्ज किए गए हैं। जो प्रमुख बिहार के टीचर हैं, माना जाता है खान सर को, खान सर एक बड़ा चेहरा है शिक्षक के रूप में। खान सर हो, नवीन सर हो, और भी लगभग 6 ऐसे शिक्षक हैं जिन पर भी FIR दर्ज की गई है। तो एक राजनीतिक रूप देने के लिए बात की जाए तो आरजेडी की ओर से एक पहल की गई है और जो भी छात्र हैं और जो युवा हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी बातों को सुनने के लिए महागठबंधन की एक बैठक बुलाई गई है और 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।